Good morning, students. In last class, I have taught you about circulatory system. In circulatory system, about structure, what are the function of heart, along with blood. Now today, I am going to teach you about heart and its functions. First one, I would like to discuss here heart rate. Heart rate. It means how many times our pumping organ heart is pumped in 1 minute. It means in 1 minute, near about, if a normal person will be, so it is about 72% per minute in normal condition. But if you are a sport person, if you are working person in any field, then it can be enhanced. Ye badh sakta hai. ये बढ़ने का मतलब ये है कि जिस अकॉर्डिंग जिस टाइप की एक्टिविटी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट रेट बढ़ता है. जैसे आप रनिंग में हैं, लाइक फुटबॉल है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रनिंग इवेंट्स में 100 मीटर 200 कर रहे हैं या 400 कर रहे हैं या 800 मीटर कर रहे हैं, इट्स अ स्प्रिंट रेस. और स्प्रिंट रेस में जो हमारा हार्ट रेट होगा वो बढ़ जाता है. बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि उसमें हमारा वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है. तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं. जिस टाइप की एक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट पंप करेगा. तो सिंपल सी बात है कि रनिंग एक्टिविटी लाइक फुटबॉल है, तो फुटबॉल इन 90 मिनट्स ऑलवेज वी रन, दैट्स वाई आवर हार्ट रेट विल बी चेंज. और अगर हम रेस्ट की कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में है तो दैट विल बी 72 times, तो वो 72 times होता है. और ये जो होता है ये पल्स के रूप में जाना जाता है, जिसे हम पल्स कहते हैं. अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अपना हार्ट रेट जानना चाहते हैं तो टाइम देखिए, टाइम वॉच हो आपके पास, तो इससे इजीली आप जो है अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं. स्ट्रोक वैल्यूम, अनदर पॉइंट विल बी हियर. स्ट्रोक वैल्यूम इट मींस आवर पंपिंग ऑर्गन जो होता है हमारा हार्ट, एक बीट में कितना ब्लड पंप करता है, तो उसे हम स्ट्रोक वैल्यूम कहते हैं. और ये एक बीट में अप्रॉक्सीमेटली 100 ml करता है नॉर्मल कंडीशन में. इन ट्रेंड प्लेयर इट इज़ अबाउट 110 ml पर बीट होता है. और ये ट्रेंड में ऐसी कंडीशन होती है, बट जो अनट्रेंड होते हैं उनमें ये कंडीशन डिफर होती है. स्ट्रोक वैल्यूम आल्सो फंक्शन ऑफ हार्ट, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि ये एक बीट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर सके. तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प आउट बाई आवर हार्ट इन अ 1 बीट. थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसी डिफिनीशन को, तो वो हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाता है. इट मीन्स कार्डियक आउटपुट, इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प आउट बाई हार्ट इन अ 1 मिनट. एक मिनट में हमारा ब्लड जितना पम्प करता है. इसका सिंपल फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वैल्यूम इंटू हर्ट रेट. जितना स्ट्रोक वैल्यूम है उसको हर्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो कार्डियक आउटपुट हमें पता चल जाता है. और ये 5 से 6 लीटर एट अ बेसल लेवल पे ये होता है. अनट्रेंड पर्सन में ये 20 liters तक होता है, बट जो ट्रेंड होते हैं उनमें 40 liters तक होता है. मीन्स एक मिनट में ये इतनी बार हमारे ब्लड को पंप करता है. सबसे बड़ी बात होती है कार्डियक आउटपुट में, ये जो होता है ट्रेंड अनट्रेंड में अंतर होता है या नॉर्मल कंडीशन में अंतर होता है. ट्रेंड में अभी मैंने बताया आपको कि जो रनिंग एक्टिविटी होती है उसमें हमारा हार्ट ज़्यादा वर्कआउट करता है, वहीं नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट कम ब्लड पंप करता है. तो रेस्ट की कंडीशन में, आराम की स्थिति में सिंपल होता है, बट इन स्ट्रेनस एक्टिविटी इट कैन बी एनहेंस. जो देखिए एक पिक्चर भी लगी हुई है, इस पिक्चर में देखिए स्ट्रोक वैल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट तीनों को शो कर रहा है.
कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वैल्यू एलोंग विद हार्ट रेट। एंड इसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आज आप देखिए वर्तमान समय में बहुत लोग हार्ट ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो हमारे खान पान की वजह से होती है। खान पान जो हमारा होता है उसे फैट हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स व्हाइल इट इज मूविंग थ्रू देम इट इज। जब ब्लड प्रेशर हमारा एग्जर्ट करता है ब्लड की वॉल को, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर शो करता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। पहला जो होता है सिस्टोलिक, इट इज फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स व्हाइल ट्रैवलिंग। जब सिस्टोलिक में ब्लड हमारा एग्जर्ट होता है, एक फोर्स अप्लाई होती है ब्लड की वॉल पे, और वो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और इट इज इन नॉर्मल कंडीशन 120 mm पर hg। पर hg, hg जानते ही हैं कि ये एक मेजरमेंट का फार्मूला होता है जो मेजर किया जाता है। और जो डायस्टोलिक होता है, इट इज अ लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड वाइल ट्रैवलिंग ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। आराम की कंडीशन में ये डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mm पर hg होता है, और वो भी नॉर्मल व्यक्ति में। लेकिन यही चीज़ें एक ट्रेंड व्यक्ति में और अनट्रेंड में अंतर शो करता है, डिफरेंस शो करता है। जब हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ये बढ़ जाता है, और जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो नॉर्मल कंडीशन शो करता है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं इट कैन बी एनहेंस बिकॉज आवर हार्ट वर्किंग अलॉट ओवर देयर। तो और डायस्टोलिक की कंडीशन भी वही होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, बट जब हम स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान ये बढ़ जाती है। बट दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो अराउंड 40 का होता है। 40 mm के बीच अगर डिफरेंसेस हैं देन इट्स ओके। और आज की कंडीशन में इससे रिलेटेड ढेर सारी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो लोग फेस कर रहे हैं। बीपी का बढ़ना और घटना दोनों कंडीशन में ये सही नहीं होता है, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो बीपी होता है वो घटता चला जाता है, ऐसी कंडीशन में आदमी की डेथ हो जाती है। बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें भी डेथ हो जाती है। तो ऑलवेज बी फोकस ऑन मेंटेनिंग आवर ब्लड प्रेशर। बोथ कंडीशन इज नॉट, इफ कंडीशन विल बी फेवरेबल देन इट्स गुड। इट मीन्स 120 एंड 80 mm के बीच में अगर रहता है, अराउंड 40 डिफरेंस रहता है, देन इट्स गुड। अदरवाइज इट कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस दैट विल बी सो हार्मफुल दैट नीड टू मेंटेन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया एक्टिविटी होती है वो वॉकिंग होती है, और वॉकिंग के थ्रू हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड टूडेज होमवर्क विल बी हियर। फर्स्ट वन है डिफाइन कार्डियक आउटपुट, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रोक वैल्यू, एंड थर्ड व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी होता है। तो ये टुडेज होमवर्क विल बी हियर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।